सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं भारत के दो बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान और अक्षय कुमार की दो बड़ी फिल्में मिशन मंगल और भारत के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और कंपेरिजन करने वाले हैं इन दोनों ही सुपरस्टार्स की फिल्मों का, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में अपने पहले दिन किस फिल्म ने मारी है बाजी और बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल के बारे में। सर, इंडिया पीछे है और पीछे ही रह जाएगा अगर हमने छलांग नहीं मारी। तो दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म मिशन मंगल, जो कि इंडिया के मिशन मार्स के ऊपर बनाई गई है। बता रहे दोस्तों आपको कि इस फिल्म की शूटिंग पिछले एक साल से चल रही थी, जिसमें अक्षय कुमार सर साइंटिस्ट का किरदार निभा रहे हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म में अक्षय कुमार सर के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, तेलुगु एक्ट्रेस नित्या मेनन, कृति कुल्हारी और शर्मन जोशी नजर आए हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जगन शक्ति ने। बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जो कि स्पेस के ऊपर बनाई गई है, इसलिए दोस्तों यह फिल्म एक स्पेस ड्रामा फिल्म है। साथ ही में दोस्तों आपको इस फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। तो बात कर ले दोस्तों अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3,300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म को दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे सिटीज में काफी अच्छी ओपनिंग मिल चुकी है। वहीं बात करें ओवरसीज की, तो दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म को मिली है लगभग 700 स्क्रीन, यानी कि दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 4,000 स्क्रीन पर रिलीज हो चुकी है। अब बात कर ली जाए दोस्तों इस फिल्म की फर्स्ट डे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो बता रहे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज मिले हैं। अक्षय कुमार सर के काम की काफी तारीफें हो रही है। वहीं दोस्तों विद्या बालन, तापसी पन्नू और सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस फिल्म में काफी आउटस्टैंडिंग काम किया है। साथ ही में दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन भी काफी अच्छा है, जो कि इस फिल्म को पूरा बांधे रखता है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी है और ये फिल्म 2019 की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म बताई जा रही है। वहीं दोस्तों जोगिंदर तुतेजा, जो कि एक काफी बड़े क्रिटिक्स है, उन्होंने तो दोस्तों इस फिल्म को कहा है कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जो कि इस साल टैक्स फ्री होने का दम रखती है। यानी कि दोस्तों अब ये फिल्म इंडिया में टैक्स फ्री भी होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड भी बनाने वाली है। तो अब बात कर ली जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने आज मॉर्निंग से ही 85% की ऑक्यूपेंसी हासिल की है, जिसमें दोस्तों ये फिल्म एडवांस से ही अपने पहले दिन में कमा चुकी थी लगभग 13 करोड़ रुपए, और दोस्तों आज इस फिल्म की जो स्पॉट बुकिंग हुई है वो भी काफी आउटस्टैंडिंग रही है। और दोस्तों आज इस फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रही है 85% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस फिल्म की रही है हाउसफुल, वही दोस्तों इवनिंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की रहने वाली है लगभग हाउसफुल। यानी कि दोस्तों आज ये फिल्म पूरी 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और अपने पहले ही दिन ये फिल्म इंडिया से कमा रही है लगभग 31 करोड़ 80 लाख रुपये, जो कि एक रिकॉर्ड कमाई है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म क्लैश होने के बाद भी इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन रही है, और सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान इनकी सभी बड़ी फिल्मों को पीछे करते हुए यह फिल्म 2019 की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन रही है। तो अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अब ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म 700 स्क्रीन पर ओवरसीज में भी लगी है, जिस कारण से दोस्तों यह फिल्म ओवरसीज में भी अपने पहले दिन काफी धमाकेदार ओपनिंग ले रही है। और दोस्तों इस फिल्म का जो ओवरसीज से अपने पहले दिन का कलेक्शन है वो रहने वाला है लगभग 9 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो ऑल इंडिया ग्रॉस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो रह सकता है लगभग 35 करोड़ रुपए का, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले ही दिन लगभग 45 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, वो भी क्लैश होने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि आज के समय में सबसे बड़ा सुपरस्टार अक्षय कुमार है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने के बाद भी 40 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ले सकता है। बात कर ले दोस्तों इस फिल्म के रिव्यूज के बारे में, तो दोस्तों अभी तक तो इस फिल्म को सभी दूर से काफी अच्छे आए हैं, और दोस्तों जिस तरह की ये फिल्म आज कमाई कर रही है उसके हिसाब से ये फिल्म इंडिया की एक बिगेस्ट ओपनर फिल्म साबित होने वाली है और अक्षय कुमार सर के कैरियर की हाईएस्ट ओपनर फिल्म साबित हो चुकी है।
तो दोस्तों अब बात कर लिया यहाँ पर सुपरस्टार सलमान खान के फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि रिलीज किया गया था 5 जून को। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया गया था, जिसे कि पूरे 5 दिन का वीकेंड मिला था। बात करें दोस्तों इस एक्शन ड्रामा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार सलमान खान के साथ नजर आई थी कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर और कई सारे दोस्तों इस फिल्म के ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि काफी नामी एक्टर्स है। वही दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुपरस्टार सलमान खान के साथ दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके अली अब्बास जफर ने। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म एक साउथ कोरियन फिल्म और टू माई फादर की ऑफिशियल रिमेक थी। वही दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4,700 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी मिक्स रिव्यूज दिए थे। इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो तो काफी अच्छा रहा था, लेकिन दोस्तों लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस फिल्म के थोड़ी कमी रह गई थी। लेकिन दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बता दे चले दोस्तों आपको कि यहां पर भारत फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कमाए थे 42,70,00,000 रुपए, जो कि 2019 की हाईएस्ट ओपनर फिल्म थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर 42,00,00,000 से ज्यादा कमाई की है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई है, उसके बाद सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड यहाँ पर भारत के नाम है, जिसने कि अपने पहले दिन कमाए हैं 42,70,00,000 रुपए। इस तरह से दोस्तों 4,700 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2019 की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बनी हुई है। अब बात की जाए दोस्तों अगर इन दोनों ही फिल्मों के कंपैरिजन के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि यहाँ पर अक्षय कुमार की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगाया गया है लगभग 3,300 स्क्रीन पर। वही दोस्तों सलमान खान की फिल्म को लगाया गया था 4,700 स्क्रीन पर। एडवांस बुकिंग में दोस्तों सलमान खान की फिल्म ने एडवांस से कमाए थे लगभग 21,00,000 रुपए। वही दोस्तों बात करें मिशन मंगल की, तो दोस्तों मिशन मंगल की भी एडवांस बुकिंग लगभग 20,00,000 रुपए की थी। एडवांस बुकिंग के बाद दोस्तों अगर क्लेश की बात की जाए तो सलमान खान की फिल्म का किसी भी फिल्म से क्लेश नहीं था। वही दोस्तों बात करें अक्षय की फिल्म का, तो अक्षय की फिल्म का क्लेश है दोस्तों यहाँ पर जॉन अब्राहम की फिल्म से। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट डे में दोस्तों सलमान की फिल्म ने कमाए है लगभग 43,00,000 रुपए। वही दोस्तों बात करें अक्षय की फिल्म की, तो दोस्तों अक्षय की फिल्म ने भी काफी कम स्क्रीन पर बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की है और कमाया है लगभग 31,80,00,000 रुपए। इस तरह से दोस्तों यहां पर सुपरस्टार सलमान खान और सुपरस्टार अक्षय कुमार के स्क्रीन काउंट्स के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर अक्षय कुमार की फिल्म ने मार ली है बाजी। वही अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई की, तो दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिली थी, इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर सलमान खान की फिल्म ने अपने पहले दिन ज्यादा कमाई की है। आपके हिसाब से दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा बेटर है और किस फिल्म को ज्यादा कमाई करनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।